हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे तली हुई हरी मिर्च, बहुत ही इजी एंड टेस्टी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। ये हमने कुछ हरी मिर्च ले ली है, ये हमने फीकी हरी मिर्च का यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से डीप कट कर लिया है। एक नींबू, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून राई, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, नमक एज पर टेस्ट और 1/4 टेबलस्पून कलौंजी। ये सब मसालों को हम अब मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने कटी हुई हरी मिर्च लिए हैं उसमें हम ये मसाला ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें प्रेस कर कर भर लेना है ताकि वो हरी मिर्च में अच्छी तरह से ऐड हो जाए। इसी तरह से हम सब हरी मिर्चों में मसाले को ऐड कर लेंगे। ये जो मिर्ची ली है हमने 100 ग्राम लिया है। देखिए, हमने सभी मिर्चों में मसाला जो है वो अच्छी तरह से भर लिया है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। अब हम इसमें मिर्च ऐड कर लेंगे और जो मसाला बच गया था वो भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेंगे। इसे हमने लगभग 2 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि हमारी मिर्च जो है अच्छी तरह से गल जाए और जो हमने मसाला यूज़ किया है वो भी अच्छी तरह से भून जाए। देखिए, हमने इसे लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और हमारा पानी जो है वो भी सूख चुका है और इसमें तेल आने लगा है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर लगभग फिर से 1 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए, हमारी मिर्च बहुत ही टेस्टी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लगभग फिर से 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए, हमारी मिर्च भी अच्छी तरह से गल चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई भी खाने का स्वाद अगर आपको बढ़ाना है तो आप ये खा सकते हैं। आप ये डिश को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप किसी भी सब्ज़ी के साथ या डायरेक्ट रोटी के साथ भी खा सकते हैं। कुछ अलग अगर आपको स्वाद चाहिए तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।